आपने तालिबान की बात की है, वल्ला क्या तालिबान जब ये आयत पढ़ते होंगे, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उनका ईमान कहां तक पहुंच चुका होगा, और इन यंसुरकुम अल्लाह फला गालिब लकुम व इन यखदुलकुम फमन जल्लजी यंसुरकुम मिन बाद, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह व रायत الناس يدخلون في دين الله, ये आयत है यार, ये मुझे तालिबान की इन्होंने तिलावत भी इजा जा सूरह नसर की ना, और यार वो कहते हैं ना मुल्ला की अजा और मुजाहिद की अजा, हमने ना जिहाद को उसमें दुनिया से मोहब्बत इतनी ज्यादा आ गया ना, द वर्ड जिहाद इज दैट वी हेट, इट पेन्स यू नो, इट पेन्स, हालांकि अल्लाह के नबी की जिंदगी का इतना most of the portion was in jihad fi sabilillah, choti islam ki choti ka bhi kaha gaya hai, aur farmaya ke wallahi agar hum bas ek topic jihad rakhna chahiye ki mujahid ke fazail kya hai, humne to jihad hi baat karna chhod di, mujahid ko na qabr ka azab hai jo jannat mein uske vaade hain, usko maut ka torture nahi hai, qabr ka azab ek bacche ko bhi diya jayega jo bachcha faut hua, saeed bin zaid सईद बिन साद बिन मुआज थे जिनकी वफात पे अल्लाह का अर्श कांपा और 17,000 फरिश्ते आए, सही बात है, इनको भी द ग्रेस स्क्वीज्ड हिम एंटिल इट लेफ्ट हिम, लेकिन एक मुजाहिद होगा क्यों, अल्लाह ने फरमाया कि ये जिहाद में ना इसने वो कब्र के अजाब ये टॉर्चर्स है ना अपने सामने तलवारों की आपस में टकराना और गोलियों में गुजरना उसने वो देख लिया था, एक्चुअली यू नो अगेन ये दौर जो है ना कन्फ्यूजन का दौर है, क्यों जिहाद के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि जिहाद जैसे चीज को भी ना वो कन्फ्यूज कर दिया गया, यू नो अगर आप जिहाद के बारे में बात करते हैं तो एक तो लोग गलत समझने लग जाते हैं, वो ना साजिश का पूरा हिस्सा है कि जिहाद को टेररिज्म से कन्फ्यूज कर दिया, 20-30 साल से लगे हैं जिहाद पे, इवन जो कादियानी शुरू की थी उसमें भी वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे ट्राई टू रिमूव वाज के जिहाद का कांसेप्ट, तो ये 150 साल से लगे हुए जिहाद भी, उनको तो डर ही था कि जिहाद मुजाहिद खत्म हो गए लड़ने वाले खत्म हो जाए, अच्छा कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे पास वो उनको जब पूछना जिहाद के बारे में क्या कहते हैं, जिहाद इस्लामिक रियासत वगैरह तो हो नहीं सकता, जो कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, इस्लामी रियासत क्या कौन करेगा कैसे ऐलान होगा, इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं, बंदा कहता है ओ भाई मुझे मारो मुझे मारो यार, सही बात, मतलब देयर आर पीपल उसे कि ये बात ठीक है कि इस्लामी रियासत ये भी नहीं कि मैं आज गन उठाऊं और मैं कश्मीर लॉन्च हो जाऊं, ये मैं वहां, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, आप एक लीडर के अंदर जैसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी है, आर्मी कॉल करेगी तो हम जाएंगे, अगर वो नहीं करे तो हम मुकल्लफ नहीं है, दे आर ब्लेम फॉर, वो करे तो हम उनके साथ देना है, ठीक है, और वो करेंगे तो उन्होंने कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा फिर कहते हैं कि इस्लामी रियासत तो कॉन्सेप्ट इस्लाम में तो है ही नहीं, खिलाफत तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये वही पपेट्स फिर आ जाते हैं ना, पपेट्स स्कॉलर्स कोट एंड कोट यू नो, जो कि वेस्ट को प्लीज करना चाहते हैं और सोचे समझे एजेंडे के तहत, और ये समनन कलीला वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपनी फैन फॉलोइंग के लिए और ये सब कुछ कर रहे हैं, सो या दिस इज हैपनिंग, वो जो डॉक्टर साहब कल लेक्चर में उन्होंने कौन सी आयत पढ़ी थी यार, वो सबसे बेहतरीन कलाम ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, ये जो बंदा है ना सबसे बेहतर वो शख्स है तुम में से जो अल्लाह ताला की बात करता है, ठीक है, दुआ इल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाता है, ठीक है, वो अमल صالحا सब बुलाता नहीं बल्कि अमल भी करता है और अपोलोजेटिक नहीं है, वो قال انني من المسلمين, ऐसे की तहजीब तुम्हारी सबकी, हम मुसलमान हैं, वी ओन इस्लाम, वी लव इस्लाम, तुम जो मर्जी करने करो, ना इज्जत तुमने देनी है ना जिल्लत तुम, आपको पता सुभान अल्लाह तालिबान की बात सुन के ना, वो उसने कहा कि वो एक गोरी थी, रिपोर्टर्स ने कहा कि तुमने क्या क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि वी लव जिहाद, वी डिजायर जिहाद, कहते हैं कि इफ वी लूज वी आर विनर्स एंड इफ वी विन वी विन, कहते हैं एंड काबुल विल बी आवर्स वेरी सून, कहते हैं कि इफ वी आर फाइटिंग इन जिहाद वी आर ऑलरेडी विनिंग बिकॉज़ वी आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये हमने सहाबा के दौर में बातें सुनी थी और आज हम अपने सामने ऐसे मर्द देख रहे हैं जो कि रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतन वला बाइअन, देख रहे हैं ये रिजाल तो जिनको जो है ना मालों का रेल पेल, इनको पता कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया अल्लाह ताला, अल्लाह हू अकबर।